हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम इस पार्ट की शुरुआत में देखते हैं कि वो सारे फ्रेंड अपने प्रोजेक्ट गेम के लिए एक मॉडल ढूंढ रहे थे। वो एक फेमस सेलिब्रिटी एंजेला को अपने गेम में मॉडल बनाना चाहते थे, लेकिन एंजेला उनसे कोई मीटिंग नहीं करना चाहती थी। तो अगले दिन सीन वहाँ पर फिल्म प्रोड्यूसर बन के जाती है और बाकी सब उसके चमचे। तो गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देते है और कहते है कि तुम पीछे हटो। तो हाव कहता है, ब्रो तुम्हें अपना वर्ड्स वापस लेना चाहिए, तुम्हें नहीं पता ये कौन है। ये जानी मानी औरत और उसका रोबोट लेने वाली प्रोड्यूसर मिस चेंग है। तो वो गार्ड्स कहता है, लगता नहीं तुम लोग कभी एंजेला से मिले हो। तभी चैन सामने आता है तो गार्ड कहता है, करीब मत आओ, तुम बहुत ही लंबे हो। तो जिन को बड़ी हंसी आ रही होती है। तो चैन कहता है, मैं हमारी प्रोड्यूसर चेंग का असिस्टेंट हूँ, हम एंजेला के लिए एक हॉलीवुड फिल्म ऑफर करने आए हैं। तो गार्ड कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बुद्धू हूँ? मैं यहाँ पर कई सालों से काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कौन फिल्म प्रोड्यूसर है और कौन डायरेक्टर है। तो गार्ड उनकी सारी कुंडली निकाल के उनके सामने रख देता है। तभी वो देखते है कि एंजेला जा रही होती है। तो सीन झट से गार्ड को दबोच लेती है और चैन आगे बढ़ता है तो गार्ड उसका पाँव पकड़ लेता है और हाव पीछे से गार्ड का पाँव पकड़ लेता है। और साव बॉय खड़े खड़े ये सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। तो चैन उसे फाइल पास करता है और एंजेला को दिखाने को कहता है। वो भाग के उसके पास जाता है, लेकिन वो बाहर निकल जाती है और दरवाजे पे उसका फेस चिपक जाता है। तो ये प्लान उनका एकदम फ्लॉप हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीन की कोई फ्रेंड आज अब्रॉड से चाइना आई हुई होती है। तो सीन बड़ी एक्साइटेड हो जाती है और चैन और हाव को कहती है, मैं अपने डैड के लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढना चाहती थी, तो इसमें मेरी फ्रेंड परफेक्ट है। तो हाव कहता है, तुम्हारी फ्रेंड है तो वो यंग होगी और अपने डैड को देख लो, ये बुरी बात है, तुम अपने फ्रेंड के साथ ऐसे स्कैम मत करो। तो सीन कहती है कि मेरे डैड ओल्ड है लेकिन यंग दिखते है और हैंडसम भी है। तो वो दोनों एकदम हंसने लग जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीसी को कोई कंपनी में जॉब भी नहीं मिल रही थी। तो सावोय उसके लिए किंडरगार्टन टीचर का जॉब ढूंढता है। तो वो आज सावोय के साथ इंटरव्यू देने आई थी। तो फिर वो इंटरव्यू देकर वापस एकदम मुंह लटकाते हुए आती है। तो सावोय बहुत ही डर जाता है। तो फिर वो कहती है कि मैं सिलेक्ट हो गई। तो सावोय बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तो सीन बहुत ही इमोशनल होकर सावोय को हग कर लेती है और उसे सब चीज के लिए थैंक्स कहती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में सीन उसके डैड और उसकी फ्रेंड की बिना बताए मीटिंग फिक्स कर देती है और वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तो उसकी फ्रेंड लिन को जब पता चलता है कि सीन के डैड चैंग ग्रुप के सीईओ है, तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उनके कंपनी के कारण उसको पास्ट में बहुत ही कुछ सहना पड़ा। तो वो सीन के डैड को बहुत ही कुछ सुना के चली जाती है। तो नेक्स्ट सीन में चैन चेंगयोंग से मिलता है। तो चेंगयोंग कहता है कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर टेंडा कंपनी है, तुम दोनों में से जिसका प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को अच्छा लगा हमारे सीईओ उसे ही सिलेक्ट करेंगे। तो फिर चैन उसको अपना प्लान बताता है। तो वो बड़ा खुश होकर कहता है कि ये बहुत ही अच्छा है और वो उसकी बहुत ही तारीफ करने लग जाता है कि तुम्हारे पास बहुत ही टैलेंट है, टेंडा कंपनी इसके सामने तो कुछ भी नहीं है। तो फिर अगले दिन हम देखते हैं कि उनके पास बस एक ही चीज की कमी थी, वो है गेमिंग मॉडल। तो वो सीन को अपना गेमिंग मॉडल बनाने की सोचते है। तो फिर हाव उसका फोटो शूट करता है। तो हाव सीन से कहता है कि ओपन करो। तो सीन अपने पांव फैलाने लग जाती है। तो वो फिर कहता है कि और ओपन करो। तो वो अपना पांव और फैलाने लगती है। तो हाव कहता है, रुको जरा, मैंने तुम्हें अपने माइंड को खोलने के लिए कहा ना कि जो तुम कर रही हो उसको। तो सीन को बिल्कुल भी पोज देते नहीं बन रहा था। तो चैन कहता है, सोचो तुम पबजी खेल रही हो और तुम्हारे सामने बहुत ही सारे एनिमीज आ गए और सावोय और हाव भी तुमसे बहुत ही दूर है। तो सीन एकदम से पोज बनाने लगती है। तो हाव जल्दी जल्दी उसकी फोटो शूट कर लेता है। तो नेक्स्ट सीन में सीन उनसे मिलने के लिए आती है और वो उसको बता देती है कि हम एंजेला को अपना मॉडल बनाना चाहते थे लेकिन उससे हम मिल ही नहीं पाए। और वो उसे अपने प्रोजेक्ट का सारा प्लान बता देती है। सीन को नहीं पता था कि उनका कॉम्पिटिटर यून है। तो अगले दिन आज मीटिंग का दिन था और सब लोग होप लगाए रखे थे कि ये मीटिंग सक्सेस हो गया तो डे ड्रीमर स्टूडियो चल जाएगा। तो फिर नेक्स्ट सीन में सीन चैन को कंपनी ड्रॉप करने आती है। तो वो देखती है कि यून भी वहाँ आया है। तो चैन कहता है कि यून हमारा कॉम्पिटिटर है। तो वो सोच रही थी कि मैंने उसे एंजेला के बारे में बता दिया, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो फिर मीटिंग स्टार्ट होता है। यून पहले अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करता है। तो उसमें उसका गेम मॉडल एंजेला थी।
तो चियान और चेंगयोंग एकदम से शॉक में आ जाते हैं। तो एंजेला जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस सेलिब्रिटी थी, तो चेंगयोंग के सीईओ टेंडा को सिलेक्ट कर लेते हैं और चियान का प्रोजेक्ट भी नहीं देखते। तो नेक्स्ट सीन में सीन बहुत ही गुस्से से यून के पास आती है और कहती है कि मैंने अगली रात को तुम्हें एंजेला के बारे में बताया था, इसलिए तुमने एंजेला को सिलेक्ट किया और तुम इतने जेंग चियान के पीछे क्यों लगे हो। तो वो एक्सक्यूज देने लगता है तो सीन वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो नेक्स्ट सीन में चेंगयोंग अपने स्टाफ से सुनता है कि उनके सीईओ टेंडा के प्लान से सेटिस्फाइड नहीं है, बट वो इतनी बड़ी कंपनी है तो वो हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। तो वो जल्दी से भाग के अपने सीईओ के पास जाता है और वो कहता है कि मैं टेंडा के प्लान से बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि उसका गेमिंग मॉडल एंजेला है और उनके गेम की बात की जाए तो हम चियान का आइडिया ले लेंगे। तो वो कहते हैं कि इससे कुछ गड़बड़ हो गई तो चेंगयोंग कहता है कि ये आइडिया मेरा है तो मैं सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। तो उसके सीईओ उसके आइडिया से बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसका प्रमोशन कर देते हैं। तो वो इससे अपने बॉस को बहुत ही जलाता है जिसने उसके साथ चीट किया। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सारे फ्रेंड उनको पता चल जाता है कि चेंगयोंग ने उनके साथ चीट किया है, उसने चियान का आइडिया चुरा लिया। तो चियान उसको कॉल करता है लेकिन वो और उसके बॉस पार्टी में सीन के डैड के सामने दुमलाने में लगे हुए थे क्योंकि सीन के डैड की कंपनी उनके कंपनी से बहुत ही बड़ी है। तो सीन गुस्से में वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे चियान भी जाता है लेकिन वो सीन को लिए बिना ही वापिस आ जाता है। वो कहता है कि सीन जल्दी में गाड़ी में बैठ के चली गई, मैं उसे रोक नहीं पाया। तो सीन सीधे पार्टी में जाती है और वहाँ जाके बहुत ही धमाशा करने लगती है और चेंगयोंग को मारने लग जाती है। तो चेंगयोंग गलती से उसको पुश कर देता है और उसको लग जाती है, तभी उसके डैड आ जाते हैं और सीन को रोकते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। और फिर उसके डैड उसे घर पे बहुत ही चिल्लाते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी फोटो न्यूज़पेपर में बड़े बड़े हेडलाइन में छपेगी। तो वो उसके डैड की बात को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ चेंगयोंग को उसके सीईओ से डांट पड़ रही होती है क्योंकि उसने कहा था कि वो कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देगा लेकिन उसके वजह से उनकी कंपनी की बहुत ही बेइज्जती हुई। तो फिर वो डांट साट खा के बाहर आता है तो उसको अपने बॉस के केबिन से आवाज आ रही होती है। तो वो जाके चुपके से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे डम करके जिस दूसरे लड़के को फंसाया था, इस बार वो लड़का उसके बॉस के ऊपर भारी पड़ गया। तो वो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। तो अगले दिन हम सारे फ्रेंड को डे ड्रीमर स्टूडियो में देखते हैं। तो जिया वहाँ पर एक ट्विंस को फोटोशूट के लिए बुलाती है ताकि वो थोड़े से पैसे कमा सके। तो हाउ उन दोनों की फोटोशूट बहुत ही अच्छी तरह से करता है। तो फिर थोड़ी देर बाद उनके स्टूडियो में एक कपल आते हैं जो कि अपने वेडिंग में फोटोशूट करवाना चाहते हैं लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं थे। तो सीन उनका फोटोशूट फ्री में करवाना चाहती थी लेकिन हाउ कहता है अगर हमने ऐसे ही सबका फ्री में फोटोशूट किया तो हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं आएंगे। तो चियान कहता है कि हम फ्री में फोटोशूट कर देंगे। तो वो कपल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो उनके जाने के बाद हाउ कहता है ब्रो तूने ऐसा क्यों किया। तो चियान कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। तो अगले दिन चियान कहता है कि हमें वेडिंग प्लानिंग का बिजनेस करना चाहिए, तो इसे शुरू करने के लिए हमें पहले लोगों को हमारे वेडिंग प्लानिंग का डेमो दिखाना होगा, तो इसके लिए हमें पहले एक चैरिटी वेडिंग करवाना होगा। तो अगले दिन से चियान वेडिंग के लिए सबसे स्पॉन्सर मांगने जाता है लेकिन उसे कोई भी स्पॉन्सर नहीं देता। तभी रास्ते में चियान को सीईओ ह्यूंग मिल जाती है। तो सीईओ ह्यूंग उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं एक चैरिटी वेडिंग करवाने वाला हूँ जिनमें इन सिटी के कपल होंगे जो अपनी वेडिंग अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर स्पॉन्सर इकट्ठे करने आया हूँ। तो सीईओ ह्यूंग चियान को अपने एक फ्रेंड से मिलाती है तो उसे चियान का प्लान बहुत ही पसंद आता है तो वो उसे स्पॉन्सर करने के लिए मान जाती है। तो अगले दिन हम देखते हैं कि आज चैरिटी वेडिंग का दिन है और उधर जिया अपना लाइव स्ट्रीमिंग भी करती है ताकि वो अपने फैंस उनको भी अपना प्लानिंग बता सके। तो वहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो चियान लेना को स्टेज पे बुलाता है तो सीन पीछे म्यूजिक संभाल रही होती है तो उसको दो आदमी आके किडनैप करने लगते हैं। तो वो म्यूजिक के तारों उनको खींचने लगती है। तो आगे स्टेज पे फ्लावर पॉट लीना के पाँव पे गिर जाता है तो सब लोग उसको देखने में लगे हुए थे तो सीन की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। तो ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो सीन को किसने किडनैप किया है ये तो आपको अगले पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज जाते जाते चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।